दोस्तों हमारी दोस्ती हो गई है आसाम वालों से। पता जब हम लोग देख रहे हैं तो ऐसे करके देखना पड़ रहा है, तब पूरी चोटी तक, तब भी पूरी चोटियां नहीं दिख रही है। और क्यों तुझको चाहे यारा बताना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही कि हम लोग गए थे लोटस टेम्पल, और उसके बाद अब हम जा रहे हैं कहाँ पर रे बच्चों? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, तो अभी हम जा रहे हैं कुतुब मीनार। और कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे। अच्छा, तो हमें पहुँचने में बस आधा घंटा ही लगेगा, और फिर मिलते हैं वहीं पर। और बने रहिएगा ब्लॉग में। कर चुके हैं और यहाँ भी बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। कैसा हो रहा है रे? अच्छा 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 अच्छा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। जगह में पहुंच चुके हैं हम जहां कुतुब मीनार है, और देखिए कितनी लंबी ये। पता जब हम लोग देख रहे हैं तो ऐसे करके देखना पड़ रहा है, तब पूरी चोटी तक, तब भी पूरी चोटियां नहीं दिख रही। और मैं बता दूं, वैसे तो सबको पता ही होगा कि कुतुब मीनार किसने बनवाया है। तो कुतुब मीनार बनवाया था सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और सन 1193 से बनवाया था 1197 तक, मतलब पूरा इतना टाइम लगा था बनने में इसे। और काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, और सारी और भी चारों तरफ बिल्डिंग ही है, तो उधर भी एक्सप्लोर करेंगे हम। और फिलहाल तो हम लोग कुतुब मीनार के सामने ही खड़े हुए हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंजल कैसा लग रहा है? अच्छा है बहुत अच्छा। और दोस्तों एक बात बता दूं ना, फिर एंजल और इसे दिख गए हैं फॉरनर, और ये दोनों फिर कहाँ के दे रहे? कोरियन थे। हाँ, या तो कोरिया के होंगे या जापान, चाइनीज भी हो सकते हैं। और ये ना दोनों उनके ही पीछे लग जाती हैं, है ना? उनके पीछे लग जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए, पर इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि हम आपके साथ एक फोटो लेंगे। और दोस्तों सच में अच्छा लगता है ना, अपना इतिहास जो हम लोगों ने पढ़ा होता है बुक में, और वो चीज़ सामने देखने को मिलता है, तो मतलब अच्छा लगता है। और अच्छा लग रहा है कुतुब मीनार। दिब्बू से पूछते हैं, ये बहुत बड़ा टावर है। दिव्य बोल रहा है ये बहुत बड़ा टावर है। कितना बड़ा टावर है दिब्बू? बहुत बड़ा बिल्डिंग है। अच्छा, क्या नाम है इसका? हाँ, भूल गया, दिवित को नाम नहीं पता है। दिवित कह रहा है ये बहुत बड़ा टावर है। दिवित ने एक नाम दे दिया कुतुब मीनार को कि टावर है दिवित, है ना दिब्बू? हाँ। कभी देख सकता नहीं तुझे खुश मैं रखूं। दोस्तों कुतुब मीनार की तरफ से आ गए, और यहाँ पर ये खलजी का मदरसा, मतलब इस साइड है, तो इधर चलते हैं। चलो, हाँ, खलजी का मदरसा भी देख के आते हैं कैसा, मतलब उस टाइम का ना। ये है देखो दोस्तों खलजी का मदरसा, और पूरी बिल्डिंग हो गई है ध्वस्त। ये कबूतर उड़ रहे हैं ना रे, ये तो देखिए दोस्तों हम आ गए हैं वो खलजी के या क्या था वो खलजी जो भी है उनके, उसके मदरसे में। और ये यहाँ पर ना इस तरह के जो मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह के 4-5 कमरे, मुझे लग रहा है यहीं पर बच्चे पढ़ते होंगे, तभी दिखा रखा है कि इस एरिए में है खलजी का मदरसा। फिलहाल तो यहाँ पर अभी कबूतरों ने अपना घर बना रखा है ना रे बच्चों। और पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है यहाँ पर दीदी। अरे कैसा है खलजी का मदरसा? हाँ, कितना डरावना है ना, ऐसा लग रहा है कि पूरा जाए। ओए जा।
मैं साया बन के साथ तेरे रहना 24 घंटे, मैं रहना 24 घंटे, मैं आँखों से चुरा लूं जाना तेरे 24 घंटे। और अभी आ गए हैं हम ग्राउंड में, और यहाँ से ना कुतुब मीनार का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है ना ज्योति, पूरा पूरी कुतुब मीनार दिख रही है यहाँ से, ये पूरा ये। और दोस्तों जगह जगह से लोग आए हैं, बहुत मतलब हर तरह के लोग दिखने को मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हर राज्य से आए होंगे। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, मुझे लग रहा है ना ये लोग आसाम से आए हैं शायद। दोस्तों हमारी दोस्ती हो गई है आसाम वालों से। मेरा YouTube चैनल है, ठीक है, राधिका ब्लॉग उत्तराखंडी। हाँ अच्छा, आसाम से कौन सी जगह से आए हो? अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कितने दिनों के लिए, कौन सी जगह घूमी आपने? लाल किला। अच्छा, कब जाओगे फिर? कल। अच्छा, हमारे उधर उत्तराखंड चलना। हाँ, हम उत्तराखंड से है ना, तो हम लोग भी आए अभी यहाँ पर घूमने। ठीक है, उत्तराखंड जरूर आना और मिलेंगे। ओके, तो हमारी आसाम वालों से भी दोस्ती हो गई। और भी आ रहे हैं, और ना, और इनको तो वही कोरियन जापानीज मिले थे, ये तो बेहोश होने वाले थे भाई सच्ची में। ये देखो इतनी इतनी सुंदर थी ना, जैसे खुद पता नहीं कितने बुरे हैं, तुम भी तो इतने सुंदर हो, कोरियन जैसे तो तुम खुद लगते हो। बित को देखो, ये बंदर है क्या? बंदर है क्या? गिलहरी है ना, जैसे गिलहरी पेड़ पे चढ़ती वैसे ही ना दीपो। गिलहरी हो क्या आप? गिलहरी हो क्या आप? हाँ, अरे दीपो आओ जल्दी, आओ जल्दी उतरो। इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे मेरी परछाइयां। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, तू है